हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया आज हम करेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस ट्रेजिडी ओथेलो दिस प्ले इट वॉज ऑल्सो अडेप्टेड इन टू अ बॉलीवुड मूवी इसका बॉलीवुड में भी एक मूवी बना था विच वॉज टाइटल्ड ओम कारा जिसमें अजय देवगन ने ओथेलो का रोल प्ले किया था डेस्डीमोना वॉज प्लेड बाय करीना कपूर एंड ईयागो वॉज प्लेड बाय सैफिली खान तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली विद द इंट्रोडक्शन तो प्ले का जो पूरा टाइटल है इट्स कॉल्ड दी ट्रेजिडी ऑफ अथेलो द मोर ऑफ वेनिस प्ले का एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है कि वो कब लिखा गया था बट इट्स कंजेक्चर्ड के इट्स प्रोब इट वाज प्रोबली रिटर्न इन सिक्सटीन एंड ये वाला प्ले जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था जो उनके प्लेस का कलेक्टेड वर्जन था उसमें फर्स्ट फोलियो ऑल्सो लेकिन जो फोलियो वर्जन है इस प्ले का दैट इज डिफरेंट इन लेंथ एंड इन वर्डिंग कम्पेयर टू इट्स क्वटो वर्जन नाउ लेट्स talk briefly about the literary context या फिर इस play का क्या source था Shakespeare ने कहा से यह story draw किया था

जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जो उनका फोकस था सिंथियो का जो फोकस था दैट वॉज ऑन डेस्डीमोना पर वहाँ से शेक्सपियर अपने इस ओथेलो प्ले में ही शिफ्ट द फोकस फ्रॉम डेस्डीमोना टू इयागो एंड ओथेलो और जब वो ऐसा करते हैं ना तो वो एक ऐसी ट्रेजिडी लिख पाते हैं जहाँ पर आपको ज्यादा इमोशनल न्यूवासेस देखने को मिलते हैं एंड लाइक दिस देर आर अदर चेंजेस विच शेक्सपियर मेड तो ऑल दो शेक्सपियर ने सिंथियो की जो बेसिक स्टोरी थी वो अडॉप्ट करी लेकिन जो उनका सोर्स था कैरेक्टराइजेशन के लिए ओथेलो का दैट वॉज मोर लाइकली अ ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका बाई जोआनिस लियो एफ्रिकानस एंड इट वॉज रिटन इन फिफ्टीन फिफ्टी तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो तो शेक्सपियर का कैरेक्टराइजेशन है ओथेलो का ही ड्रॉज दैट From the account of what Leo Africanus presents about the African people in this book. So, these are the two most important sources for Shakespeare's Othello. Moving on to the historical context of the play now.

between 1570 to 73 and it was known as the war of cyprus

Another thing to note is that Othello को एक मोर बोला गया द प्लेस टाइटल ऑल्सो और ये जो वर्ड था मोर इसको उस टाइम पर यूज किया जाता था टू तो सिग्नल सम्बडी जो की या तो अफ्रिकन डिसेंट का हो या मुस्लिम फेथ को बिलोंग करता हो या तो दोनों सो द सिटी ऑफ वेनिस एज अ सेटिंग इट सर्व शेक्सपियर्स नीड्स ऑफ अ प्लेस जहाँ पर एक नॉन यूरोपियन एंड अ नॉन क्रिश्चियन मैन वो एक सिग्निफिकेंट पोजिशन होल्ड भी कर सकता है समरी ऑफ द्ले तो जो अथेलो है वो स्टार्ट होता है वेनिस में रात के समय इयागो ही इज एन एनसाइन इन दिन आर्मी एनसाइन इट the lowest rank in some navies. तो जो इयागो है ही इज बिटर के उसकी बजाय कैसियो नाम के बंदे को लेफ्टिनेंट बना दिया गया है तो जो इयागो है वो रोड्रिगो को बोलता है कि वो ओथेलो को सर्व करता है जो कि आर्मी का जनरल है और वो सर्व इसलिए करता है ताकि वो खुद को सर्व कर सके इयागो जानता है कि जो डेस्डिमोना है एंड डेस्डिमोना कौन है शी इज द डॉटर ऑफ नोबलमैन रोबानशियो जो डेस्डिमोना है वो ओथेलो के साथ भाग गई है उससे शादी करने के लिए और उसको ये भी पता है जो इयागो है ही आल्सो नोस दैट कि जो रोड्रिगो है ही आल्सो इज आफ्टर डेसडिमोना तो इयागो रोड्रिगो को मैनिपुलेट करता है सो दैट ही कैन अलर्ट वेनेस तो जो इयागो की ये डुप्लीसिटी है वो इस फर्स्ट सीन में ही आपको देखने को मिलती है अब जब रिबैनशियो को अपनी बेटी के इस भागने के बारे में पता चलता है तो वो पैनिक करता है और लोगों को इकट्ठा करता है बुलाता है ताकि वो डेसडिमोना को ढूंढ सके ओथेलो से मिलता है और उसको रोड्रिगो के बारे में ये बताता है कि रोड्रिगो ने ब्रिबानशियो को बता दिया डेजडिमोना और तुम्हारी शादी के बारे में अब होता क्या है कैसियो आता है रोड्रिगो और ब्रिबानशियो सब आ जाते हैं वहां पर ब्रिबांशियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ का कुछ बोल रहा होता है एंड ही इज ऑल्सो अक्यूजिंग के जो ओथेलो है उसने उसकी बेटी डेस्डिमोना पर कुछ जादू कर दिया होगा ही मस्ट हैव बिविज हर अब जो ये ब्रिबांशु की जो ये प्रॉब्लम है जो उसका ग्रीवेंस है दैट इज डिनाइड एंड ये डिसाइड होता है कि जो डेस्डिमोना है वो ओथेलो के साथ ही रहेगी हाउ एवर ओथेलो को साइप्रस बुला लिया जाता है ताकि साइप्रस को एक इन्वेजन हो रहा होता है टर्कस का ताकि ओथेलो उसमें हेल्प कर सके उससे बचा सके साइप्रस को अब जो इयागो है वो अश्योर करता है रोड्रिगो को जो कि उदास है कि जो ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच में ये जो रिलेशन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा और किसी भी टाइम डेस्डिमोना उसके पास एज़ इन रोड्रिगो के पास वापस दौड़ती आएगी करता है कि वो ओथेलो और डेस्डिमोना जो ये दोनों कपल है और जो टर्किश फ्लीट है दैट इज ब्रोकन अपार्ट स्टॉम की वजह से तो ओथेलो इज स्टिल जब कैसी आता है इयागो डेस्डिमोना और एमिलिया जो है दे फॉलो इन अनदरशिप एमिलिया कौन होती है एमिलिया इयागो की बीवी होती है एंड शी इज़ डेस्डिमोनाज़ हैंड मेड एंड शी इज सम्बटी जिसको नहीं पता कि जो उसके हस्बैंड जो ये सब प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है उनके बारे में कि या फिर उसके जो हस्बैंड की बाकी और बुरी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में एंड शी रिमेन्स लॉयल टू डेस्डिमोना तो लाइक आई सेड जो ओथेलो होता है ही स्टिल एट सी एंड देन इयागो डेजडीमोना एंड एमिलिया दे ऑल फॉलो इन अनदर शिप अब सम हाउ जो इयागो और डेजडीमोना है दे एंटर इन एन इन एन आर्ग्यूमेंट के जो इयागो का लो ओपिनियन होता है औरतों के बारे में तो दे एंटर एन आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग दैट फाइनली ओथेलो आता है एंड डेस्डिमोना को देखकर बहुत खुश होता है इयागो रोड्रिगो से बात करता है और उसे कन्विंस करता है कि जो डेस्डिमोना है वो ओथेलो को छोड़ देगी जैसे उसने कैसियो को भी छोड़ा था एंड हु वॉज कैसियो अगेन कैसियो जो है ही इज ओथेलो लेफ्टिनेंट अब जो गो है वो रोड्रिगो को कन्विंस करता है कैसियो पे अटैक करने की रात के समय अब क्या होता है कि रात के समय जब दोनों जने कैसियो और इयागो दोनों पहरा दे रहे होते हैं तो इयागो जो है वो कैसियो को शराब पीने के लिए कन्विंस करता है और जबकि वो जानता है कि जो इयागो है वो ज्यादा नहीं पी सकता दैट ही कैन नॉट होल्ड हिज लिकर एंड नाउ व्हाट इयागो फर्दर डज इज कि वो कैसियो और रोड्रिगो के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है ही फर्दर एंकरेज दैट अब ये जो

डेस्डिमोना ओथ्थेलो के सामने यू नो मे बी शी कैन वाच फॉर कैसियो इन फ्रंट ऑफ उत्थेलो एंड ईयागो अगेन यू नो ही इज वॉट ही इज डूइंग उसको पता है कि जब वो ऐसा करेगा तो वो जो उनकी फ्रेंडशिप है कैसियो और डेस्डिमोना की जो फ्रेंडशिप होगी ही विल बी एबल टू यूज दैट फ्रेंडशिप अगेंस्ट दैम बोथ अगेंस्ट बोथ डेस्डिमोना एंड अगेंस्ट कैसियो नाउ कमिंग टू एक्ट थ्री अब जो डेस्डिमोना है वो प्लेज करती है कि वो अपने हस्बैंड को पर्सवेट करने की पूरी कोशिश करेगी जो भी वो कर सकती है वो करेगी अपने हस्बैंड ओथेलो को पर्सवेट करने के लिए ताकि वो कैसियो की रैंक को वापस रिस्टोर कर दे अब जैसे ही ओथेलो एंटर करता है वैसे ही कैसियो जा रहा होता है बिकॉज जो कैसियो है वो नहीं चाहता कि ओथेलो के साथ कोई कॉन्फ्रेंटेशन हो अब इयागो इसी अपॉर्चुनिटी को क्या करता है दैट ही दिस ताकि वो जो अथेलो की ऑलरेडी इनसिक्योरिटीज हैं सो दैट ही कैन प्ले ऑन देम एंड व्हाट ही डज इज के जो कैसियो वहां से जा रहा था ना उसकी जो एग्जिट थी वो उसको ऐसे पेश करता है ये दिखाने के लिए कि जो कैसियो है डेट ही इज गिल्टी अब बहुत जल्द ही जो ओथेलो है वो भी अपनी वाइफ डेसडिमोना को डाउट करना शुरू कर देता है अब जो डेसडिमोना है वो ओथेलो को बोलती रहती है कि कैसियो की जो पोजीशन है उसको रिस्टोर करने के लिए और इससे ओथेलो को ये और ज्यादा यकीन हो जाता है कि जो डेसडिमोना है वो और कैसियो दे आर चीटिंग ऑन हिम एंड ऑफ कोर्स डेसडिमोना इज अनअवेयर ऑफ ऑल दिस अब होता क्या है जो डेस्डिमोना है वो ओथेलो को खाने के लिए बुलाने के लिए आती है एंड शी फाइंड्स दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल तो वो उसको अपना जो हैंकर है वो ऑफर करती है सो दैट ही कैन रैप दैट अराउंड हिज हेड लेकिन ही फाइंड्स इट टू लिटिल और वो उसको फ्लोर पर गिरने देता है अब डेस्डिमोना और ओथेलो दोनों डिनर पर चले जाते हैं और वो जो रुमाल है वो अमीलिया उसको उठाती है एंड ऑडियंस को ये मेंशन करती है कि इयागो हमेशा से चाहता था कि वो ये वाला रुमाल चुरा ले एज एमिलिया ये रुमाल चुरा ले इयागो के लिए अब जब एमिलिया ये वाला रुमाल इयागो को देती है तो ही इज़ वेरी हैप्पी और वो उस रुमाल को कैसियो के रूम में प्लांट कर देता है रख देता है एज़ एविडेंस एज प्रूफ के कैसियो और डेजडिमोना का अफेयर चल रहा है एज प्रूफ ऑफ दैट तो जब ओथेलो इयागो से प्रूफ मांगता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही है तो इयागो कहता है कि उसने कैसियो को देखा है उस रुमाल के साथ जो कि डेस्डिमोना का वो जो रुमाल था द फर्स्ट गिफ्ट जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था तो ओथेलो वाव करता है कि वो रिवेंज लेगा अपनी बीवी और कैसियो दोनों से एंड ईयागो वाउस के वो उसकी हेल्प करेगा तो जब ओथेलो देखता है डेस्डीमोना को उस शाम को बाद में तो वो उससे वो रुमाल मांगता है कि वो कहाँ है पर वो कहती है कि वो उसके पास नहीं है कि वो रुमाल उसके पास नहीं है एंड शी अटेम्प्ट्स टू चेंज द सब्जेक्ट कैसे अगेन वो कैसियो के लिए प्लीड करती है और इससे ओथेलो को और ज्यादा गुस्सा आता है एंड ही जस्ट टॉम्स आउट वो वहां से चला जाता है लेटर कैसियो स्टेज पर आता है एंड ही इज वंडरिंग कि ये जो रुमाल है उसको अब उसके रूम में मिला है एंड ही इज वंडरिंग अबाउट दैट देन ही इज ग्रीटेड बाय बियांका ब्रियांका एक प्रॉस्टिट्यूट है और वो बियांका को बोलता है वो रुमाल लेकर जाने के लिए और जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है उसको कॉपी करने के लिए एंड अगेन यू नो लाइक आई सेड कैसियो को पता ही नहीं है कि वो रुमाल किसका है कि वो डेस्टिमोना का है नाउ एक्ट फोर नाउ जो ओथेलो है ही इज कंज्यूम्ड बाय जेलेसी एंड ही फॉल्स इनटू अ ट्रांस तो कैसियो आता है वहां पर एंड इयागो उसको बोलता है कि कुछ थोड़ी देर के बाद आना टू टॉक तो जब ओथेलो रिकवर करता है तो इयागो उसको बताता है कि जो मीटिंग उसने कैसियो के साथ प्लान की है उसके बारे में वो ओथेलो को इंस्ट्रक्ट करता है कि पास ही में कहीं पर छुप जाना एंड देखना कि जब वो कैसियो से उसके अफेयर की स्टोरी डेस्डिमोना के साथ जो उसका अफेयर है उसकी स्टोरी के बारे में उगलवाता है वो अब जो ओथेलो है वो दूर खड़ा होता है एंड ही कैन नॉट हियर व्हाट इज़ हैपनिंग ही इज आउट ऑफ ईयर शॉट तो यागो क्या करता है वो कैसियो से बियांका की इंफॉर्मेशन लेता है उसके बारे में बात करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अबाउट बियांका तो कैसियो इज लाफिंग एंड एवरीथिंग एंड दिस कन्फर्म्स ओथेलोज सस्पेशन्स और उसको क्या लगता है कि वो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है बिकॉज यागो ने तो उसको यही बोला था ना अब बियांका वहाँ पर आती है डेस्डिमोना के उस रुमाल के साथ और कैसियो को डांटती है कि वो उसको उस रुमाल की जो एम्ब्रॉयडरी कॉपी करने के लिए बोल रहा है दैट हैंकर दैट लव टोकन वॉज गिवेन टू कैस्यो बाय अनादर वुमन और वो बियंका को बोल रहा है उसकी एम्ब्रॉयडरी कॉपी करने के लिए ना डिमोना एंट्र विद लोडोविको और जो लोडोविको है वो एक लेटर देता है वो थैलो को दैट लेटर इज फ्रॉम वेनिस जो कि उसको वहाँ बुला रहे होते हैं एंड दैट लेटर टेल्स इम दैट कैसियो इज टू बी हिज रिप्लेसमेंट एंड ये पढ़कर

अब लेटर दैट नाइट जो ओथेलो है वो डेस्डिमोना को बोलता है कि उसका बेड पे इंतजार करे और एमिलिया को वहां से भेज दे मेन वाइल जो इयागो है वो रोड्रिगो को ये अश्योर करता है कि सारी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसी प्लान की गई थी एंड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेस्डिमोना एंड ओथेलो फ्रॉम लीविंग रोड्रिगो को कैसियो को मारना होगा एंड देन उसके बाद ही जो उसका डेस्डिमोना के प्रति जो वो रास्ता है दैट विल बी क्लियर नाउ द लास्ट एक्ट अब उस रात को स्ट्रीट्स में जो इयागो है वो रोड्रिगो को डायरेक्ट करता है कि कैसियो को एम्बुश करने के लिए जब कैसियो आता है तो रोड्रिगो उसको अटैक करता है अनसक्सेसफुली एंड रोड्रिगो ही इज वडेड बाय कैसियो तो पीछे से आके इयागो कैस्यो को चाकू मारता है पैर में एंड ही रंस अवे वाइल कैसियो इज स्क्रीमिंग अब ओथेलो को कैसियो की ये जो आवाज आती है उसको ये लगता है कि इयागो ने अपना काम कर दिया है उसका काम क्या था कैसियो को मारना अब नाउ दैट ओथेलो को अपना दिल मजबूत करके उसे अब अपनी बीवी को मारना होगा उस बीवी को जो जिसने ओथेलो के अकॉर्डिंग उसको धोखा दिया है अब जो लोडोवीको और ग्राजियानो हैं वो आते हैं देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है अब यागो आता है वहां पर तभी रिमेम्बर वो वहां से भाग गया था एंड देन जब वो वहां पर दोबारा आता है ही फ्लाइज इन टू अडेड रेज जब वो डिस्कवर करता है कैसियो के को और वो कौन है रोड्रिगो के रोड्रिगो ने उसको मारा है एंड ही किल्स रोड्रिगो और कैसियो को वहां से लेकर जाया जाता है ताकि जो उसको वो चोट लगी जो उसका वो जो वूंड है उसको ड्रेस कर सके मीन वाइल जो अथेलो है ही इज स्टैंडिंग ओवर हिज स्लीपिंग वाइफ उनके कमरे में एंड ही इज प्रिपेयरिंग उसको मारने के लिए डस्टिमोना उठती है और वो ओथेलो से प्लीट करती है कहती है कि वो बेकसूर है उसने कुछ नहीं किया लेकिन जो ओथेलो है ही he स्मोदर्स और वो उसको एक तकिए से उसका मुंह दबाकर उसको मार देता है नाउ एमिलिया एंटर्स विद द न्यूज के जो रोड्रिगो है वो मर गया है ओथेलो पूछता है कि क्या कैसियो भी मर गया है एंड ही इज मोटिफाइड जब एमिलिया बोलती है कि नहीं कैसियो नहीं मरा है अब डेस्डिमोना की आवाज सुनाई देती है बेड से एंड शी इज सेइंग फॉल्सली मर्डर्ड और एमिलिया मदद के लिए चिल्लाती है डेस्डिमोना बोलती है कि वो इनोसेंट है एंड शी डिनाइज कि किसी ने उसको मारा है एंड देन शी डाइज अब एमिलिया और ओथेलो एक दूसरे को कॉन्फ्रंट करते हैं एमिलिया सीज हर सेल्फ एज ए विटनेस एंड शी विल टेल जो भी उसने देखा है और जो ओथेलो है वो ये डिक्लेयर करता है कि उसने डेस्डिमोना को मारा है बिकॉज जो डेस्डिमोना है शी वॉज नॉट फेथफुल टू हिम दैट ही किल्ड हर बिकॉज ऑफ हर इनफिडेलिटी अब एमिलिया ये बोलती है कि जो डेस्डिमोना है वो फेथफुल थी तो ओथेलो ये रिप्लाई करता है कि कैसियो हैड बीन विद हर और इयागो को इसके बारे में सब मालूम है नाउ जो एमिलिया है उसको शी हैज द की आइडिया अब जो एमिलिया है वो इयागो को कर्स करती है उसको झूठा बोलती है एंड शी क्राइज मर्डर ताकि सब लोग जग जाए तो सारे जितने भी लोग हैं ग्राजियानो इयागो सब आते हैं कमरे में भाग कर अब इयागो एमिलिया को चुप कराने की कोशिश करता है जिसको ये रियलाइज हो जाता है एमिलिया को कि इयागो ने क्या किया है अब सबसे पहले तो ओथेलो जो है वो इंसिस्ट करता है कि इयागो सच बोल रहा है एंड ही साइड दैट रूम

कैसियो को भी साथ में लेकर आते हैं वो हु इज नाउ सिटिंग इन अ चेयर उसके वूंड की वजह से ओथेलो यागो को वूंड करता है एंड ही इज लोडोवी को ओथेलो को बताता है कि ओथेलो को उनके साथ वापस आना होगा वेनेस टू बी ट्राइड बिकॉज ही उसकी भी सुनवाई होगी ना नाउ अथेलो ही मेक्स अ स्पीच के लोग वो कैसे चाहता है कि उसको याद किया जाए एंड देन ही सेज द वेरी फेमस वर्ड्स फ्रॉम द प्ले दैट ही शुड बी रिमेंबर्ड एज वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल एंड देन वो खुद को स्टैब कर लेता है एंड ही फॉल्स ऑन टू द बेड और वो भी मर जाता है एंड

बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कम्पेयर टू द मेन कैरेक्टर इयागो वो सबसे पहला कैरेक्टर है जिसको हम स्टेज पर देखते हैं और इनिशियली हम उसके साथ सिंपथाइज भी करते हैं कि उसको प्रमोट नहीं किया गया तो सबसे पहले हमें इयागो का स्टोरी देखने को मिलता है उसकी साइड ऑफ द स्टोरी देखने को मिलती है एंड ही समबडी जो स्टेज पर ही इज अलोन वेरी ऑफन और कुछ सीन्स में वो उसके जो भी दिमाग में सीक्रेट थॉट्स डायरेक्टली टू क्या है ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है दैट ऑल्सो सेंस ऑफ कल्यूजन इज देयर और वो ऑडियंस को एक इंसाइडर पर देखने को मिलता है एंड वो अपने जो वो टेरेबल प्लान है वो टाइम से पहले वहां पर ऑडियंस को बता रहा है

बिकॉज जो ओथेलो के असाइड हैं उनके थ्रू जहां पर वो मिस इंटरप्रेट करता हैगो है, you know, अपना खुद का परस्पेक्टिव एक्सप्रेस करता है जो ओथेलो के असाइड है वो सिंपली आपको क्या एक्सप्रेस करते हैं जो इयागो के मैन्युपुलेश वट दो That is expressed through Othello's asides and therefore jo Iago point of view hai that prevails. नाउ लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट सम ऑफ द मेजर थीम्स इन द प्ले उनमें से रेस इक्स बहुत इम्पोर्टेंट थीम है बिकॉज दिसेलोज इन सिक्योरिटी जिसको इगो मैन्युपुलेट कर पाता है अब ऑल दो जो अथेलो है ही हैज अथोरिटी हीट मिलिट्री प्राउस लेकिन स्टिल ओथेलो कभी भी वेनिस में कंफर्टेबल फील नहीं करता बिकॉज ऑफ इज अदरनेस एज अ मोर तो ही इज कॉन्स्टेंटली स्टीरियोटाइप कैसे एज अवे एज एन एनिमल एंड ऑल दो वो इलोक्टली बोलता है बहुत अच्छे से बोलता है और जो उसकी जेंटलमैनली क्वालिटीज हैं उनको बाकियों से ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले करता है बट स्टिल जो ओथेलो है वो अपने आप को खुद को एज ए रफ आउटसाइडर देखता है जो ओथेलो की रेस है दैट सेट्स इम अ पार्ट एंड दैट ऑल्सो मेक्स इम सेल्फ कॉन्शियस एंड यू नो दैट इज वाई दैट इज वन ऑफ द रीजन्स दैट ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही लुक्स आफ्टर हिज रेपूटेशन ऑल्सो ताकि उसको भी बाकी वाइट लोगों की तरह जिससे वो घिरा हुआ है सो दैट ही इज रिकार्डेड एज एन इक्वल टू दैम एंड दिस इज अगेन द रीजन दैट लेट टू हिज सक्सेस लेकिन जो जिस प्रेजिडेंस से वो घिरा हुआ है, and specially with respect to जो उसकी शादी हुई है डेस्टिनी मोना के साथ, that has tragic consequences. Coming to another very important theme in the play is appearance and reality. Now this theme, this especially relevant Iago के character के लिए, के because उसको, although प्ले में ज़्यादातर लोग सभी ऑनेस्ट बोलते हैं दैट ही इज़ कॉल्ड ऑनेस्ट लेकिन ही इज द वन हु इज़ ट्रेचरस एंड हु इज़ मैनिपलेटिव जो धोखा देता है झूठ बोलता है एंड ये वाला जो थीम है ये डेजडिमोना को भी अप्लाई होता है बिकॉज ओथेलो को ये लगता है कि वो डिसीटफुल है वो इम्प्योर है दैट शी इज़ बिट्रेइंग हिम ऑल्दो वो एक्चुअली में शी इज इनोसेंट

दैट इज वाई जो इयागो है वो लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाता है उन्हें मैन्युपुलेट कर पाता है ज्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं वो इयागो की इस ऑनेस्टी पर भरोसा करते हैं विच इन टर्न रिजल्ट इन द डाउनफॉल ऑफ मैनी कैरेक्टर्स तो अगर वो रियालिटी को डिस्कवर कर पाते या अनकवर कर पाते तो दैट वुड हैव चेंज द कोर्स ऑफ द प्ले एंड विद दिस वी कम टू दीडियो आई होप नाव यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले And if you like the video, then do like, comment and subscribe.